सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करूंगी, बिकॉज इस वीडियो में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। कैसे करूंगी, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपने गैस गीजर, इलेक्ट्रिक गीजर दोनों यूज कर रखे हैं। जी हाँ, मैंने दोनों यूज कर रखे हैं, क्योंकि मैं होम टाउन में अपने थी और मेरे फैमिली मेंबर सालों साल से जो है वो गैस गीजर यूज करते थे। अब मैं एक सिटी में शिफ्ट हुई हूँ तो अब मैं इलेक्ट्रिक गीजर यूज करती हूँ, और इलेक्ट्रिक गीजर मैंने अपने हॉस्टल टाइम पर भी बहुत सारे यूज किए हैं, उसका एक्सपीरियंस सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइएगा तो मुझे, मैं आपको अच्छे अच्छे शोरूम से ऑनेस्ट रिव्यूज ला पाऊंगी, और घर पर भी पैसे खर्च करके जो है प्रोडक्ट्स ला पाऊंगी, उनके ऑनेस्ट रिव्यू आपको दे पाऊंगी मैं। आप सेफ्टी पॉइंट्स सुने बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, और ये सेफ्टी पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो गैस गीजर के लिए हो चाहे वो इलेक्ट्रिक गीजर्स के लिए हो। सबसे पहले पॉइंट पे गैस गीजर के बारे में बात कर लेते हैं। गैस गीजर आप जब यूज करेंगे तो आप जब टैप अपनी ऑन करेंगे तो तुरंत ही आपको गर्म पानी आने लग जाएगा। टैप ओपन करते ही जो है आपकी गैस गीजर में आग जो है जलने लगती है, जिससे आपका तुरंत पानी आने लगता है। अब इसमें मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात बताऊं कि मैं, मुझे भी तुरंत पानी आने लगता था, लेकिन कभी कभी समटाइम्स ऐसे होता था कि एक बार टैप यूज करने पर जो है आपकी गीजर में जो है आग जो है वो नहीं जल पाती थी, तो ठंडा पानी आ जाता, तो एक बार में नहीं हो पाता है, रुक रुक कर दो तीन बार आप स्विच ऑन और ऑफ करेंगे तो आपकी गीजर में जो है आग जलने लग जाती है वहां पे, और आवाज भी आती है तो आपका गर्म पानी आने लगता है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट दिस इज माई एक्सपीरियंस। वहीं पहले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक गीजर्स के बारे में बात करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक गीजर्स जो अभी तक मैंने यूज किए हैं, और ज्यादातर इलेक्ट्रिक गीजर्स की एक ही होती है टेंडेंसी कि अगर आपको जब पानी चाहिए गर्म तो उससे 25 या 30 मिनट पहले आपको गीजर को ऑन करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद 25 से 30 मिनट बाद आपको गर्म पानी मिल पाएगा। वहीं दूसरे पॉइंट पे गैस गीजर के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें से आप अनलिमिटेड वाटर निकाल सकते हैं, जितना चाहे उतना हॉट वाटर, वो भी तुरंत की तुरंत ही निकाल सकते हैं, तो इसमें कोई वाटर स्टोरेज नहीं होती है कि उतना स्टोर है उतना ही वो पानी गर्म करेगा। तुरंत आग जलती है, टैप ऑन करते हैं आवाज आती है, और आप हॉट वाटर ले सकते हैं और जितना चाहे उतना ले सकते। वहीं दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक गीजर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक गीजर्स में ऑलरेडी वाटर स्टोर होता है और उतना ही पानी गर्म होता है, लिमिटेड हॉट वाटर आप ले पाएंगे, इसमें अनलिमिटेड नहीं ले पाएंगे। तीसरे पॉइंट पर गैस गीजर में बात करते हैं, इसमें कोई भी टाइम वेस्टेज नहीं है। अगर आप 7 बजे उठे हैं और नहाना चाहते हैं, नहाने के लिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है उसी टाइम आपको पानी मिल जाए। थर्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक गीजर्स की बात करें तो इसमें टाइम वेस्टेज है, 25 से 30 मिनट का वेट करना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द गीजर्स में, यही होता है 25 से 30 मिनट का आपको इलेक्ट्रिक गीजर्स में वेट करना पड़ेगा। अगर आप 7 बजे उठे हैं तो ऑन करके रखिएगा, 7:30 के आसपास ही आपको हॉट वाटर मिल पाए। नंबर फोर्थ पॉइंट पे गैस गीजर में बात कर लेते हैं। गैस गीजर जो होते हैं वो एलपीजी गैस यूज करते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप गैस गीजर लेना चाहते हैं तो। और मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं, हमारी फैमिली की एक्सपीरियंस की बात करूं, तो एक जो विंटर्स का सीजन होता था उसमें हमारे 2 सिलेंडर लगभग यूज हो जाते थे। वो फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है, फैमिली मेंबर्स के हिसाब से हमारे यहाँ पानी की ज्यादा यूजेस होते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट जैसी है उस हिसाब से ही आपके सिलेंडर्स यूज होंगे, हो सकता है आपका एक में ही काम चल जाए। अभी नंबर फोर्थ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक गीजर्स की बात करें तो इसमें कोई भी एलपीजी गैस यूज नहीं होती, जाहिर सी बात है, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई सिलेंडर की रिक्वायरमेंट आपको नहीं हो। अभी पांचवें पॉइंट पे गैस गीजर में बात करें तो ये गैस गीजर्स जो होते हैं इनको इलेक्ट्रिसिटी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, नाम से ही पता चल रहा है गैस से चलते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। तो आप स्मॉल एरिया में, स्मॉल टाउन्स में रहते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी इतनी अच्छी नहीं है, 24 आवर्स नहीं आती है, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अभी फिफ्थ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक गीजर्स के बारे में बात करते हैं। नाम से समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी की पूरी जरूरत है यहाँ पे, तो अगर आप सिटी में रहते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक गीजर्स के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। छठे पॉइंट पे गैस गीजर की बात करूं तो गैस गीजर में, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि गैस गीजर में सिलेंडर की जरूरत होती है, और साथ ही साथ आपको टाइम टू टाइम इसमें सेल की रिक्वायरमेंट होती है, सेल आपको डलवाने पड़ेंगे टाइम टू टाइम। वहीं छठे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक गीजर की बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार के सेल चेंज करने की कोई भी हेडेक नहीं होती। अभी सेवेंथ पॉइंट पर गैस गीजर की बात करें तो गैस गीजर आपको जो है लो प्राइस में मिल जाएंगे। वहीं सेवेंथ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक गीजर की बात करें तो इलेक्ट्रिक गीजर जो होते हैं वो गैस गीजर के मुकाबले हाई प्राइस में होते हैं। अभी मैं मेरे 8th पॉइंट की बात करूं गैस गीजर्स के बारे में, तो गैस गीजर में किसी भी प्रकार की जो है
बेस तेज नहीं होती है, आपको थोड़ा भी गर्म पानी चाहिए तो तुरंत मिल जाएगा, ऐसा नहीं है पूरा आपको पानी गर्म करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपकी एलपीजी गैस वेस्ट हो रही है या आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, किसी भी प्रकार की वेस्टेज नहीं है, ना गैस की ना टाइम की। एट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक गीजर्स के बारे में बात करें, इसमें अगर आपको थोड़ा भी गर्म पानी चाहिए तो आपको पूरा गर्म करना पड़ेगा पानी, फिर आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है और टाइम भी वेस्ट होती है। लेकिन रुकिए, इससे पहले आप इसको सुनकर चले जाएं, मैं आपको बता दूं एक सिंपल सी चीज आप कर सकते हो, सकता है बहुत से लोग करते भी हो, अगर आपको थोड़ा पानी चाहिए तो 20-25 मिनट आप उसको पूरा का पूरा गर्म मत कीजिए, आप 15 मिनट के लिए गीजर ऑन कीजिए और थोड़ा सा पानी आपको हॉट वाटर, ये नहीं है लुकवॉर्म वाटर मिलेगा, मिल जाएगा अच्छा खासा जितनी जरूरत होगी। तो वेस्टेज तो होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि 20 से 25 मिनट की जगह 10 मिनट के लिए चला के छोड़ दे, थोड़ा पानी यूज कर ले, तो यहाँ पर भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी और टाइम दोनों ही बच जाएगा। अब मैं मेरे 9th पॉइंट पर गैस गीजर के बारे में बात करती हूँ, ये सेफ्टी है, इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको जो गैस गीजर्स हैं वो आउट ऑफ द बाथरूम ओपन एरिया में लगाने चाहिए, हमारे घर में भी सालों से बाथरूम के अंदर नहीं था, बाथरूम के बाहर था, बाथरूम के अंदर जब लाइट गीजर में जो है आग जलती है और वो जो भी आवाज होती है वो सब, एक तो बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है कि आप बाथरूम के अंदर गैस गीजर लगा लें, आप ओपन एरिया में आउट ऑफ द बाथरूम ही यूज कीजिए, ये आपके लिए मस्ट है फॉर सेफ्टी पर्पस। अब मैं मेरे 9th पॉइंट पर इलेक्ट्रिक गीजर्स की बात कर लेते हैं, ये भी सेफ्टी पॉइंट है, इसको भी आपको बिल्कुल ही मानना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक गीजर्स में क्या होता है कि जनरली बाथरूम के अंदर ही इलेक्ट्रिक गीजर्स लगे होते हैं, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि बाहर लगा दें, आप फ्लैट्स वगैरह में रहेंगे तो बाथरूम के अंदर ही होते हैं, लेकिन आप एक सेफ्टी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि नहाते समय वो गीजर ऑन रखते हैं, लेकिन ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए, जब आप नहाने जाएं उससे पहले ही आप पानी गर्म कर लीजिए और गीजर को ऑफ करने के बाद ही जो है पानी यूज कीजिए या नहाने जाइए। तो आप पहले 25 से 30 मिनट पहले गीजर को ऑन कर लीजिए, उसके बाद 25 से 30 मिनट बाद उसकी लाइट जो है अपने आप, एक दो लाइट्स होती हैं, एक जो है ऑफ हो जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि पानी गर्म हो चुका है, तब आप ऑफ कर दीजिए गीजर को और फिर ही नहाने जाइए या हॉट वाटर यूज कीजिए, उसकी गर्म पानी की टैप ऑन कीजिए। तो ये सेफ्टी पॉइंट है, ये आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बाकी बातें तो सारी अलग है कि जो मैंने आपको पॉइंट्स में पहले बता रखी। एंड कुछ अच्छे गैस गीजर और इलेक्ट्रिक गीजर्स के लिंक मैंने अमेजोन एफिलिएट के लिंक मैंने नीचे दे रखी है, उनको जाके चेक कर लीजिए, बाय करना चाहते हैं तो बाय कर दीजिए, और अगर आप कोई भी बाय करना चाहते हैं तो आपका एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, आप अगर मेरे अमेजोन एफिलिएट लिंक से बाय करेंगे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा, इस चैनल पे मैं ऑनेस्ट रिव्यूज ला पाऊंगी। एंड प्लीज अगेन लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और पुराने वीडियोज भी जाके चेक कर लीजिए, उसमें आउटडोर शूट के भी वीडियो मिलेंगे, ऑनेस्ट रिव्यूज के भी मिलेंगे, जितना जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, अगेन मैं बोल रही हूँ, उतने उतने ऑनेस्ट रिव्यूज मैं आपके लिए कलेक्ट कर पाऊंगी और ला पाऊंगी यहाँ पे, फेक रिव्यूज में बिल्कुल भी देना नहीं चाहती हूँ। मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से गैस गीजर और इलेक्ट्रिक गीजर्स के बारे में सब कुछ बता दिया है जो मैंने अभी तक फील किया था, और जो जैसे मैं अपने घर पे गीजर यूज कर रही हूँ, दोनों टाइप के, पहले गैस गीजर यूज करती थी, अब इलेक्ट्रिक गीजर यूज करती हूँ, उसके बाद भी कोई पॉइंट अगर मुझसे छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं 110% उसका रिप्लाई आपको कर दूंगी। रिटर्न में आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो सिर्फ ऐसे ही देखकर नहीं जाएंगे, तो आपको भी ऑनेस्ट रिव्यूज मिल पाएंगे।